हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद डोरिन रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी मीठी पोहा, पोहा की मीठी पुलाव। और आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ये सिरा पुलाव, इसको बहुत लोग सिरा भी कहते हैं। और इसके लिए मैंने ली है एक कप नारियल। नारियल मैंने ग्रेट कर ली है। और मैंने ली है 2 टेबल स्पून दूध। दूध गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया है। और 3 टेबल स्पून ली है शुगर। और 3 चम्मच ली है मैंने देसी घी। और उसके साथ मैंने ली है 1 तेज़पत्ता, 3 इलायची और थोड़ा सा मैंने ली है नमक। और उसके साथ थोड़ा सा मैंने ली है काजू। काजू मैंने 2 टुकड़े करके काट ली है। और थोड़ा सा मैंने ली है किशमिश। किशमिश अच्छी तरह से मैंने पहले धो लिया है। और अब मैं बनाऊंगी मीठी पोहा। पहले मैंने 1 चम्मच घी डाल दी है। और घी में मैं काजू और किशमिश को रोस्ट कर लूँगी। पहले मैं डालूंगी किशमिश। ये देखिए किशमिश फूल गए हैं। और अब मैं निकाल लेती हूँ। और अब मैं इसी तेल में काजू भी रोस्ट करूँगी। हल्का सा कलर चेंज होने तक मैं काजू रोस्ट करते रहूँगी, ऐसे ही चलाते रहूँगी। ये देखिए काजू का कलर भी चेंज हो गए हैं। और अब मैं काजू निकाल लेती हूँ। और अब मैं इसी घी में नारियल भी रोस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा 1-2 मिनट में ऐसे ही रोस्ट कर लूँगी नारियल भी। और आप लोग जब मीठी पोहा बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखिए मैंने नारियल भी रोस्ट कर लिया है। और अब मैं एक कटोरी में नारियल भी निकाल लेती हूँ। ज़्यादा आप रोस्ट मत करिए, ज़्यादा कलर चेंज मत करिए। थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए नारियल रोस्ट कीजिए। और अब मैं फिर से 2 चम्मच तेल डालूंगी। मैंने घी डाली है, देसी घी मैंने डाली है। आप लोग चाहे तो देसी घी में रिफाइन ऑयल भी मिक्स करके डाल सकते हैं। और अब मैं ले रही हूँ 1 तेज़पत्ता 2 टुकड़े करके। और 3 में ले रही हूँ इलायची। और अब मैं डालूंगी पोहा। और अच्छे से मैं अब ऐसे ही चलाते रहूँगी। 1-2 मिनट ऐसे ही मैं पोहे को मिक्स करते रहूँगी घी में। पोहे को मैं अच्छी तरह से घी में मिक्स कर लिया है। और अब मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक, टेस्ट के लिए, ज़्यादा नहीं, एकदम कम मैंने लिया है नमक। और अब मैं डालूंगी चीनी। चीनी डालकर आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप जब पोहा बनाएंगे तो पोहा अच्छी तरह से धोकर ड्राई कर लीजिए, नहीं तो ये मीठी पुलाव अच्छा नहीं बनेगा। और पोहे को पहले ही भिगोकर मत रखिए, अगर भिगो के रखेंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा। मैंने चीनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब मैं डालूंगी नारियल। नारियल से भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। पोहा आप लोग ऐसे बनाइए। मैंने नारियल भी पोहे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप लोग जो मीठी पोहा बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाइए। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर घर में बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा।
और अब मैं डालूंगी दूध। दूध मैंने गरम करके ठंडा कर लिया था और अब मैं डाल रही हूँ दूध। दूध डालने से टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम करूँगी। मैंने दूध से भी पोहे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट जो मैंने रोस्ट करके रख दिया था। ये है किशमिश और अब मैं डालूँगी काजू। काजू मैंने टुकड़े करके लिया था और अच्छी तरह से अब मैं मिक्स कर दूँगी और हमारे मज़ेदार स्वादिष्ट मीठी पोहा या सीरा पुलाव रेडी हो गए हैं और अब मैं आप लोगों को एक प्लेट में निकाल कर दिखाऊँगी। और ये देखिए कितनी खिला खिला बनी है, ये देखिए कितना खिला खिला है, ये देखिए ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप लोग ज़रूर घर में बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। ये देखिए हमारी मीठी पोहा तैयार हो चुकी है। आप लोग इसे मीठा सीरा पुलाव भी कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यामी है। आप लोग ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है और आप लोग घर में बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को पहले ही मिल जाए। और ये बहुत ही टेस्टी है, आप लोग ज़रूर घर में बनाइए और खाइए। थैंक यू।